श्री राम के वनवास जाने के बाद मंथरा का क्या हुआ? भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिलाने का दोषी कैकेयी को माना जाता है, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र को रचने वाली और रामायण की असली खलनायिका कैकेयी की दासी मंथरा थी, जिसकी बातों में आकर ही कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम को वनवास भेजने और भरत को राजगद्दी पर बैठाने का वरदान मांगा था। कहा जाता है कि राजा अश्वपति, जो कैकेयी के पिता थे, उनका एक भाई था बृहत्शव और उनकी बेटी थी राजकुमारी रेखा, जो दिखने में बेहद सुंदर और बड़े बड़े नेत्रों वाली थी। बालपन से ही कैकेयी, जो कि राजा अश्वपति की बेटी थी, उनकी मित्रता रेखा से हो गई थी। दोनों की मित्रता ऐसी थी कि खाना हो, पीना हो या फिर खेलना, वो दोनों हर चीज साथ किया करती थी। ऐसे में लोग उनकी मित्रता की मिसाल देने लगे। कहने को रेखा थी तो अत्यधिक सुंदर, लेकिन उसे अपने रूप पर घमंड था। वो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए तरह तरह की चीजों का सेवन करती थी, जिससे उसकी सुंदरता में 4 चांद भी लग जाते थे, लेकिन नियति को मानो कुछ और ही मंजूर था। एक बार रेखा ने गलती से ऐसा कुछ खा लिया जिससे उसका पूरा शरीर झुक गया और वो कई रोगों से ग्रसित हो गई। कुछ ही दिनों में सुंदर दिखने वाली राजकुमारी रेखा बदसूरत, बदरंग और झुककर चलने वाली हो गई, जिसके बाद लोग उसे रेखा की जगह मंथरा अर्थात धीमा चलने वाली स्त्री के नाम से पुकारने लगे। भले ही राजकुमारी रेखा कुरूप वाली हो गई थी, लेकिन कैकेयी का जुड़ाव उससे बना रहा, इसीलिए वो विवाह के बाद भी उसे अपने साथ अयोध्या ले गई, ये सोचकर कि दोनों वहाँ भी हंसी खुशी साथ रहेंगी। लेकिन अयोध्या में भी मंथरा का तिरस्कार किया जाने लगा। अयोध्या के लोग मंथरा के रूप का उपहास उड़ाने लगे। लोग उसे कैकेयी की बहन या सखी नहीं बल्कि दासी मानने लगे, जिससे मंथरा के मन में अयोध्या वासियों के प्रति गुस्सा बढ़ गया। इसी कारण मंथरा ने अयोध्या के अमंगल के लिए भगवान श्री राम के वनवास के लिए कैकेयी को भड़काया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के वनवास पर चले जाने के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र का वियोग सह न सके और उनकी मृत्यु हो गई। जब अयोध्या में ये सब घटित हो रहा था, तब कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न कैकेयी देश चले गए थे। जब वो लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके सबसे बड़े और पूजनीय भाई श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा चुके हैं, जबकि उनके पिता इस दुख में देह त्याग चुके हैं। भरत ने ऐसा करने के लिए अपनी माता कैकेयी को भला बुरा सुनाया, यहाँ तक कि उन्हें अपनी माता कहने से भी मना कर दिया। वहीं जब शत्रुघ्न को ये पता चला कि ये सब षड्यंत्र मंथरा ने रचा था, तो वो उसे मारने दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि शत्रुघ्न मंथरा को मार पाते, भरत बीच में आ गए और उन्होंने शत्रुघ्न को ये पाप करने से रोक दिया। और तो और, जब भरत ने कैकेयी को माता कहने से इनकार कर दिया, तो कैकेयी को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा। ये देख मंथरा और भी अधिक टूट गई, क्योंकि उसे तो लगा था कि भगवान श्री राम के चले जाने के बाद राजगद्दी पर भरत बैठ जाएंगे, लेकिन भरत तो श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजपाट संभाल रहे थे और अपनी माता से ही दूर हो गए थे। ये देख मंथरा को भी अपने पाप का एहसास होने लगा, जिसके बाद उसने खुद को 14 वर्षों के लिए कमरे में बंद कर लिया। कहा जाता है मंथरा उस कमरे से तभी बाहर आई जब वनवास से लौटे श्री राम उससे मिलने वहां गए थे। श्री राम को देख मंथरा श्री राम के चरणों में गिर गई और उनसे दंड देने की भीख मांगने लगी, लेकिन भगवान श्री राम ने न सिर्फ उसे ऐसा करने से रोका, बल्कि उसे माता कहकर भी पुकारा। श्री राम ने उस कुटिल मंथरा को भी माता कहा, जिसके कारण ही उन्हें माता सीता और लक्ष्मण को इतने सालों तक कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बड़प्पन ही था जो उन्होंने मंथरा को क्षमा किया, जिसके बाद ही मंथरा ने पुनः महल में कदम रखा। कहा जाता है कि श्री राम के क्षमा करने के बाद माता सीता, लक्ष्मण और दूसरे सभी लोगों ने भी मंथरा को माफ कर दिया था, जिसके बाद कई सालों तक मंथरा महल में सबके साथ रही, फिर बाद में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई।